अर्पिता के हाथ से आइसक्रीम जमीन पर जा गिरी, पर ताज्जुब की बात यह है कि गौरव ने उसे कोई ज्ञान नहीं दिया, उल्टा हंसकर बोला, अरे तुम्हें तो आइसक्रीम खानी भी नहीं आती। मन ही मन अर्पिता गौरव की हंसी पर मुंह सिकोड़ते हुए बोली, आता तो मुझे वाटर प्यूरिफायर बेचना भी नहीं है, पर मेरी जॉब लग गई ना, बकलोल कहीं का हंसी जा रहा है। गौरव ने उससे तुरंत दूसरा फ्लेवर पूछा। अर्पिता ना कहते हुए उठ गई और सीधे शब्दों में बोल पड़ी, घर चलते हैं, खाना भी बनाना है और फिर कल से नौकरी पर भी तो जाना है। गौरव खुश होते हुए बोला, ये हुई ना बात, यही फोकस ऑफिस वालों को दिखाना तो फुल स्पीड में आगे जाओगी। अर्पिता ने सिर हिलाया और दोनों घर के लिए निकल पड़े। घर आने के बाद कपड़े चेंज करके गौरव जहां आराम से फोन चला रहा है, वहीं अर्पिता यूट्यूब पर कोई नई कॉन्टिनेंटल रेसिपी ढूंढ रही है। यूट्यूब में सर्च करते हुए वो खुद से बोलती है, अब लल्लू लाल ने इतना कुछ किया है तो बीवी होने का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा ना, पर बाबा जी आपने बिना रच के जिंदगी में खेला रचा है, एक बार होता नहीं दूसरा सर पे तलवार बन के लटक जाता है। कसम से हालत भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की तरह हो गई है, देश में खेलो विदेश में खेलो और तो और पैसों के लिए आईपीएल भी खेलो, पर रुकना नहीं है। फाइनली अर्पिता ने डिश रेडी की और खुद से बोली, देखने में तो डिश पास्ता जैसी मालूम हो रही है, खुशबू भी ठीक ठाक ही है, बाकी स्वाद की बात है तो वो संजीव कपूर उर्फ गौरव जी ही बताएंगे। अर्पिता ने बुलंद आवाज में गौरव को बाहर बुलाया। कमरे में फोन चला रहा गौरव खींचते हुए बोला, पूरी और कद्दू प्याज खिलाने के लिए कोई इतना जोर से कैसे बुला सकता है यार। जैसे तैसे मरी लाश बन के वो डाइनिंग टेबल तक गया, कुर्सी खींच के बेमन से बैठा तो सामने रोज की तरह कढ़ाई कटोरा ये सब नहीं था, कांटे वाला चम्मच और सिर्फ दो प्लेट्स। समय आ चुका था नाजनी डिश से पर्दा उठाने का। अर्पिता ने ढक्कन खोला और जैसे ही गौरव की नजर व्हाइट सॉस पास्ता पर गई, वो बिल्कुल हैरान रह गया। सबसे पहले उसके मुंह से ना चाहते हुए भी निकल गया, When did you order this? ये सुनते ही अर्पिता का पारा हाई हो गया और वो मन में बड़बड़ाने लगी, साला आधे घंटे खाली यही समझने में लग गया कि कितना दूध कितना चीज और कितना मैदा डालें कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, और इस आदमी को देखो तो कुछ भी बोले जा रहा है। फिर भी हंसते हुए वो बोली, घर पर ही बनाया है स्पेशली तुम्हारे लिए, शुरू करो। गौरव की प्लेट में अर्पिता ने पास्ता परोसा, स्मॉल पोर्शन, एकदम फिरंगी स्टाइल में। गौरव ने जैसे ही उसे चखा, उसे विश्वास नहीं हुआ कि अर्पिता ने इतना अच्छा पास्ता बनाया है। आज बिना टूटा के पूरा खाना खत्म हो गया। गौरव सीधा अर्पिता की ओर बढ़ा। अर्पिता की धड़कनें तेज हो गई, वो मन ही मन सोची, आखिर ऐसा क्या मिलाया था पास्ता में जो ये आखिरी पास्ता मेरी तरफ बड़ा चला आ रहा है। गौरव उसके एकदम करीब आ गया और धीरे से थैंक्स बोला और वापस बेडरूम की ओर चला गया। अर्पिता ने माथे की शिकन दूर की और खिड़की के बाहर लगे बिलबोर्ड पर देखा, जहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, आपके सपनों को हम करते हैं साकार। झुंझलाते हुए अर्पिता बोली, साकार नहीं बे, तुम तो आकार बदल दिए हो। कल क्या होगा इस बारे में सोच सोच कर अपनी रात काली करने की शुरुआत अर्पिता ने बेडरूम की बत्ती बंद करके की। लगातार दो रात से परेशान अर्पिता ने जब गौरव की ओर देखा तो सिर्फ इतना ही उसके मुंह से निकला, अगले जन्म मोहे गौरव ही कीजो। रात जैसे तैसे गौरव के खर्राटों और अर्पिता के करवट लेते लेते पार हो गई। आज दोनों पावर कपल की तरह एक साथ तैयार हुए और इस बात पर भी राजी हो गए कि ब्रेकफास्ट बाहर ही कर लेंगे। अर्पिता को नहीं पता था कि नौकरी के ये सब फायदे भी होंगे। गौरव काफी खुश था,
और वो ताव से बोला, विश्वास नहीं हो रहा है कि हम दोनों एक वर्किंग कपल हैं। दो लोगों की सैलरी आएगी घर पर, दुगना इन्वेस्टमेंट होगा। सुनकर ही अच्छा लग रहा है। तुमको कैसा फील हो रहा है? आज तो तुम्हारा पहला दिन है ना? अर्पिता ने उसकी ओर देखा और झूठी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, थोड़ा सा नर्वस है, पहली बार है ना, आज तक तो नौकरी किए नहीं, पर सैलरी का अच्छा एक्सपीरियंस है। गौरव थोड़ा सोचते हुए बोला, वो कैसे? अर्पिता अपने चिर परिचित अंदाज में उसके कंधे पर मारते हुए बोली, वो बाबूजी बिजली विभाग में है ना, तो वो अपनी बिटिया के हाथ में ही सैलरी लाकर रखते थे। पूरा रामबाग मोहल्ला बातें करता था, पर बाबूजी और हम उन्हीं के सामने रिक्शा पर लौंग लता झोड़ते हुए निकल जाते। वो अपनी बात पूरी करती, उससे पहले ही गौरव बीच में बोल पड़ता है, चलो चलो, तुम्हारी बनारस की राम कहानियां नहीं सुननी है, मुझे भूख लग रही है। और दोनों तुरंत घर से बाहर निकल गए। नाश्ता खत्म करके वो करीब एक घंटे में ऑफिस के बाहर पहुंच गए। रोज से 15 मिनट लेट। गौरव ने घड़ी देखी और एकदम से सॉरी बोलने लगा, मेरे चलते तुम्हें पहले दिन लेट हो गया, देखो 9:30 हो गए हैं, तुम्हारा ऑफिस तो 9 बजे का है। अर्पिता मन ही मन खुश थी, क्योंकि रेडियो मस्ती का समय 10 बजे से है, उस हिसाब से वो आधा घंटा पहले ही आ गई थी। पर अब कुछ तो रिएक्शन देना था। ऐसे में उसने गौरव को शांत कराया और धीरे से बोली, शैतान का काम जल्दी का होता है, हर अच्छा इंसान थोड़ा लेट हो ही जाता है, फिर वो डॉक्टर हो, पुलिस हो या फिर दूध वाला। गौरव को हंसी नहीं आई, पर फिर भी वो शांत हो गया और दोनों ही लिफ्ट में चले गए। अर्पिता का ऑफिस 7वें फ्लोर पर था, जबकि गौरव का ऑफिस 12वें फ्लोर पर। अर्पिता ने गौरव को बाय कहा और सीधा अपने ऑफिस की ओर बढ़ गई। लिफ्ट ऊपर जाने वाली थी और अर्पिता आराम से नीचे चली गई। अर्पिता दौड़ती हुई सीधा ऑफिस से बाहर निकली और शॉर्टकट से अपने रेडियो मस्ती वाले ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हो गई। क्या बाबा जी, ये तो सामने नंदी मतलब ऋत्विक खड़ा है। ऋत्विक ने अपनी घड़ी देखी और फिर अर्पिता को। आज अर्पिता टाइम पर ही नहीं बल्कि समय से 5 मिनट पहले आ चुकी थी। जहां अर्पिता के चेहरे पर ऐसी खुशी थी कि मानो भारतीय रेलवे समय से पहले आ गई हो, वहीं ऋत्विक ने सिर्फ और सिर्फ नॉट किया और आगे बढ़ गया। अर्पिता सीधा अपने स्टूडियो रूम में घुसी, जहां आलोक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। आलोक बिना कुछ बोले सीधा अर्पिता की ओर कूदा। अर्पिता टेंशन में पीछे हट गई और आलोक धम से कुर्सी पर जा गिरा। जहां आलोक दर्द से कराह रहा था, वहीं अर्पिता लोट पोट होकर हंसते हुए बोली, क्या हुआ भाई, अचानक से स्पाइडरमैन क्यों बन गए? आलोक पसली रगड़ते हुए बोला, यार अजीब हो, कल बिना बात झाड़ दिया और आज हाथ मिलाने के लिए कूदा तो हट गई, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? अर्पिता ने अपनी हंसी रोकते हुए उसे अपना हाथ दिया और कुर्सी पर आराम से बिठाया। थोड़ी ही देर में कॉलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। पहले कॉलर का फोन आया। शेयर योर सीक्रेट्स विद कोयल मल्होत्रा। हेलो, मेरी कोयल जी से बात हो रही है? अर्पिता उर्फ कोयल ने अपने मस्त अंदाज में जवाब दिया, जी हाँ मैं कोयल बोल रही हूँ, आवाज से तो आप काफी यंग मालूम पड़ती हैं। दूसरी तरफ से लड़की ने तपाक से जवाब दिया, जी मैं यंग ही हूँ, सिर्फ 19 साल की। अर्पिता ने उसकी आवाज की तारीफ की और फिर उससे उसका सवाल पूछा। लड़की सवाल बताते हुए बोली, कोयल जी मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर मैं उससे उतना प्यार नहीं करती हूँ, बताइए मैं क्या करूँ? अर्पिता सोच में पड़ गई और फिर बोली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे कितना प्यार करता है, कोई आइडिया? लड़की टेंशन में आ गई। जी बहुत ज्यादा करता है, हमेशा हाथ फैलाकर बोलता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, पर तुम मुझसे कितना करती हो, इसका जवाब मैं कभी नहीं दे पाती हूँ,
क्योंकि मैं प्यार तो करती हूँ पर उतना नहीं करती। अर्पिता ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, तो तुम्हें हीर रांझा लैला मजनू वाले सच्चे प्यार जैसी फीलिंग नहीं आती अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, राइट? दूसरी तरफ से वो लड़की चिल्लाते हुए बोली, जी हाँ बिल्कुल यही बात, वो लाखों में एक नहीं है। अर्पिता हंसते हुए बोली, तो लाखों लोगों से मिलो और देखो तुम्हें कोई ना कोई पसंद आ ही जाएगा। बाकी बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? लड़की ने बिना जवाब दिए फोन डिसकनेक्ट कर दिया। सारे लोग जिन्होंने वो कॉल सुनी एकदम से हंस पड़े। आजकल के बच्चे भी ना पेट से निकले नहीं कि प्यार ढूंढना शुरू। वहीं गौरव को बॉस ने अपने कैबिन में बुलाया। दोनों के बीच काफी देर तक किसी बात पर चर्चा हुई। गौरव जैसे ही बाहर निकला, एचआर ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा। गौरव के चेहरे पर भी एक खुशी थी क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में भी काफी अच्छी रही। उसने घड़ी देखी, तभी निरंजन ने उसे कंधे से धक्का मारते हुए कहा, लंच करने चले बॉस के, गुड बॉय। गौरव की हंसी छूट गई और दोनों कैंटीन की तरफ निकल गए। कैंटीन की ओर जाते वक्त गौरव को याद आया, अर्पिता को भी बुला लेता हूँ। उसने तुरंत अर्पिता को कॉल किया। यहाँ अर्पिता फोन साइलेंट पर रखकर आराम से अपने नए ऑफिस के दोस्तों के साथ बैठी थी। आलोक ने पूछा, टिफिन कहाँ है तुम्हारा? अर्पिता ने कहा, नहीं लाई। आलोक चिल्लाते हुए सबको इकट्ठा करते हुए बोला, सुनो कोयल जी, अपनी टिफिन लाना भूल गई है। मेरा मतलब नहीं लाई है तो ये दूसरों की टिफिन से नहीं खा सकती है क्योंकि इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब कोई इन्हें बताओ कि कोई अपनी खुद की टिफिन। आलोक ने रितु की टिफिन में से सारी कचौड़ी उठाई और मुंह में भरते हुए बोला, कभी भी कोई भी अपनी टिफिन नहीं खा पाता भाई। सब जोर जोर से टेबल पीट पीट कर ठहाका मार के हंसने लगे। अर्पिता ने भी सबकी ही तरह दूसरों की टिफिन से थोड़ा थोड़ा खाया और उसका पेट लगभग भर ही गया था कि उसका ध्यान गया अपने फोन पर। गौरव की 13 मिस कॉल्स। वो झट से बाहर भागी। उसने तुरंत फोन मिलाया। फोन लगाते ही वो बोली, अरे फोन साइलेंट पर था इसलिए नहीं उठा पाई, ट्रेनिंग चल रही है ना। गौरव चौंकते हुए बोला, कौन ले रहा है ट्रेनिंग, नाम बताओ। अर्पिता अपनी ही बात में फंसने वाली थी। उसने बिना सोचे समझे बोल दिया, आलोक नाम है उसका। गौरव ने फोन पर ही किसी को आवाज लगाई, समर, तुम लोगों की टीम में आलोक नाम का कोई नया ट्रेनर हायर हुआ है क्या? अर्पिता ने उंगली दांत से दबाई और फोन पर ही बोली, भरोसा नहीं है क्या जो क्रॉस चेक कर रहे हो? रखो फोन, मुझे काम ही नहीं करना ऐसे। गौरव ने तुरंत ही अर्पिता को शांत कराया और उससे आराम से बोला, अरे मैंने कॉल खाने के लिए किया था, मुझे लगा कॉमन कैंटीन में साथ लंच कर लेते हैं, तुम कहाँ हो, आ जाओ। अपने पेट पर हाथ रखकर छोटी सी डकार मारते हुए अर्पिता गौरव से बोली, मेरा व्रत है गुरुवार का। गौरव ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, पर सुबह तो तुमने इडली खाई थी, फिर अभी व्रत कैसा? अर्पिता एक बार फिर फंसी। उसने बात घुमाते हुए कहा, वो मम्मी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि अगर अनजाने में खा लिया तो भगवान माफ कर देता है, पर अब जानबूझ के थोड़ी ना खाऊंगी। गौरव हंसा और फिर बोला, अच्छा ठीक है, आ जाओ फलहार भी मिलता है, तुम फ्रूट चाट खा लेना, अब जल्दी से आ जाओ। अब तो अर्पिता को जाना ही था। जैसे तैसे दौड़ते भागते वो कैंटीन पहुंची। नजर घुमाई तो देखा गौरव अपने ऑफिस के दोस्त निरंजन को समोसा खिला रहा है। अर्पिता मुंह बनाते हुए बोली, लड़की को समोसा खिला रहा है, वो भी मीठी चटनी में डुबा के, और मैं बोल दूं कि पानी का ग्लास पास कर दो तो बिजली दौड़ जाती है, सारे मर्द ना कमीने होते हैं। अर्पिता उसके पास गई और सीधा सामने टेबल पर बैठ गई। अर्पिता ने खाली टेबल देखी तो बिना कुछ सोचे समझे बोली, क्या है, कम से कम फ्रूट चाट लेकर ही रख दी होती। गौरव के हाथ से समोसा छूटकर चटनी में गिर गया, जिसका छींटा निरंजन की सफेद शर्ट पर गया।
अर्पिता वहाँ से गुस्से में उठी और अपना फ्रूट चाट लेकर अपने ऑफिस की ओर जाने से पहले गौरव से सरकास्टिकली बोली, थैंक्स बुलाने के लिए। गौरव का मुंह छोटा सा होकर रह गया। उसने निरंजन को देखा तो वो भी अपनी शर्ट पर लगे दाग की वजह से गुस्से में गौरव को देख रहा था। अब अर्पिता स्टूडियो में थी और अगले कॉलर का फोन आया। Share your secrets with Koyal Malhotra. अगला कॉलर थोड़ा परेशान जान पड़ रहा था। उसने सीधा मुद्दे की बात की। कोयल जी, मेरी तकलीफ ये है कि मैं काम बड़े दिल से करना चाहता हूँ जी, और वो मुझे मिल गया है, पर एक और काम है जो मेरे चाहने वाले ने मेरी मदद के लिए ढूंढा है, और वो चाहता है कि मैं वो करूँ। बताइए ना मैं क्या करूँ। अर्पिता ने थोड़ा सोचा और फिर जब सवाल को तोड़ना शुरू किया तो उसे लगा कि ये सवाल तो उसका भी है जिसका जवाब वो भी तलाश रही है। उसने तपाक से कॉलर से पूछा, आपको कौन सा काम पसंद है? दूसरी तरफ से आवाज आई, ऑफ कोर्स जिसमें मेरा दिल लगता है और मन भी, पर मेरे चाहने वाले का क्या? अर्पिता ने लंबी सांस ली और फिर से बोली, चाहने वाला अगर तुम्हें सच में चाहता है ना तो उसे सब कुछ बता दो, वो जरूर समझेगा। अगर समझ गया तो गंगा पार, और अगर नहीं समझा तो तुम वो तो कर ही रहे हो जो तुम्हें पसंद है। कॉलर ने एक लंबी सांस भरी और थैंक यू बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कोयल उर्फ अर्पिता को भी समझ आ गया कि आज उसे भी आर्या पार करना ही होगा, ऐसे नहीं चलेगा। ऑफिस का काम खत्म कर अर्पिता बाहर आई। उसने गौरव को कॉल लगाया पर कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी ही देर बाद गौरव का मैसेज आता है, ऑफिस के बाहर कैब खड़ी है, उसमें जाओ। अर्पिता को थोड़ा अजीब लगा, आए तो अपनी गाड़ी से थे, ये क्या नया माजरा है भाई। वो कैब के पास गई और दरवाजा खोला तो गौरव उसमें नहीं था। उसने तुरंत गौरव को कॉल किया, हेलो क्या हुआ, तुम कहाँ हो? गौरव ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, मैं घर आ गया हूँ, तुम भी आ जाओ, ओटीपी भेजा है बता दो उसे। अर्पिता एकदम से उखड़ गई, पर अब फायदा तो था नहीं, तो वो शांति से गाड़ी में बैठकर करीब सवा घंटे बाद घर पहुंची। उसने रास्ते में तय कर लिया कि वो सब कुछ सच सच बता देगी, बहुत हो गया। वो सीधा घर में घुसी और बैग रखकर कमरे में पहुंची। कमरे की लाइट्स ऑफ थी, वो उन्हें ऑन करती उससे पहले ही गौरव ने मना कर दिया। अर्पिता को ये सब अजीब लग रहा था, वो यही सोच रही थी कि गौरव पर गुस्सा करे या फिर अपने दिल की बात कहे। उसने तुरंत कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। गौरव उसकी ओर पलटा और धीरे से बोला, मुझे भी, पर तुम पहले बता सकती हो। अर्पिता ने बिना समय जाया किए कहा, मैं वो वाटर प्यूरिफायर नहीं बेचूंगी, मैंने मना कर दिया है क्योंकि मुझे। वो कुछ बोलती उससे पहले ही गौरव उठा और उसके पास आकर बोला, एक बात कही थी, बोल दिया, अब मेरी बारी है। अर्पिता ने उसको काटा और बोली, अरे पर सुनो तो अच्छी बात है। मुझे जॉब से निकाल दिया है, गॉड डैम इट, चिल्लाते हुए गौरव बोला और धम से अपने बिस्तर पर बैठ गया। अर्पिता मन में ही बोली, बाबा जी अब फिर से एक नई नौटंकी। अब क्या करेगी अर्पिता, गौरव से छिपकर कैसे करेगी अपनी सीक्रेट जॉब? आगे जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर।